मित्रों नमस्कार। मित्रों विकलांग साथी ट्रस्ट हमेशा इस बात के लिए उद्यत है कि हम रचनात्मक और आपकी मानसिक पुष्टता को बढ़ाएं। हमारे दिव्यांग साथियों को हमेशा ही सजग रहना चाहिए, सक्रिय रहना चाहिए और हमेशा ही अपने नए नए कामों के लिए आगे बढ़ने के लिए तत्पर रहना चाहिए। हम आज आपको कुछ ऐसी बातें, आज चूंकि रविवार है, रविवार को हम आपकी मानसिक पुष्टता, आपके आगे कार्यशैली का, आपके व्यक्तित्व को निखारने का प्रयास करते हैं। व्यक्तित्व में सर्वांगीण विकास हो, यही हमारी अभिलाषा है और यही हमारी इच्छा है। इसके अलावा आज के वीडियो में हम आपको एक ऐसा वीडियो जो हमको वायरल वीडियो मिला है दिव्यांगों से संबंधित, वे वीडियो भी हम संलग्न कर रहे हैं। देखिए किस प्रकार से एक व्यक्ति जिसको निराश हो गया था, जिसके माँ बाप भी चाहते थे कि ये उसके दोनों हाथ नहीं थे और बैठे बैठे चलता था, उसके माँ बाप को भी ये लगा था कि हमारी संतान जो है जीवित न रहे, ये पिता की बड़ी अभिलाषा थी कि उसका बच्चा जीवित न रहे, और 6-7 साल के उम्र में उस बच्चे को फेंक देना चाहते थे तालाब में। खैर किसी तरीके से उनकी दिमाग में ये बात आई कि इसे आगे विकास का पूरा मौका देना चाहिए, और उस अवधि में उस बच्चे ने पूरा प्रयास किया, आगे आगे बढ़ा, वो देखता रहा। हालांकि घर पे तो बड़ी उपेक्षा थी, लेकिन उसने फोटोग्राफी सीखी। फोटोग्राफी अब मतलब हाथ नहीं, हाथ में किस तरीके से फोटो कैमरा लेकर के फोटो शूट करता था, इस बात को आप देखिए और देखिए किस प्रकार से दिव्यांग भी अगर ये प्रयास कर ले कि हमको आगे बढ़ना है तो उसको कोई रोक नहीं। इन्हीं बातों पे आगे का वीडियो हम प्रस्तुत करेंगे, लेकिन कुछ बातें आज हम आपको बताना चाहते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमें जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। हमें जब जीवन में हम अवतरित हुए हैं, दिव्यांग हैं, कुछ भी हैं, तो हमको सबसे पहले अपने जीवन को व्यवस्थित करने का प्रयास करना चाहिए। जीवन को व्यवस्थित कैसे करें, हमको सुबह जल्दी उठना चाहिए। सुबह जल्दी उठ करके जो हम संकल्प करते हैं, सवेरे मुस्कुरा करके जब हम बात करते हुए, गुड मॉर्निंग करते हुए, प्रभु का धन्यवाद, प्रभु के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए, भगवान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए, अल्लाह के प्रति शुक्रगुजार होते हुए हम सुबह अपने शुरू करें, और उस सुबह को शुरू करने के बाद हम कुछ थोड़ा सा व्यायाम करें, थोड़ा सा ध्यान करें, थोड़ा सा सोचें कि आज हमको क्या करना है। इसके बाद हमको इस बात पर विचार करना चाहिए कि हमें कल्पना शक्ति, हम कुछ कल्पना करके क्रिएटिविटी करने का प्रयास करें, रचनात्मकता कुछ करने का प्रयास करें। आज ये कर लेंगे, आज कुछ ये कर लेंगे, जो वीडियो आगे हम दिखाएंगे उसमें यही संदेश है कि हम अगर कुछ कल्पना करें कि हमको ये करना, हम दिव्यांग हैं, चाहे जो कुछ भी हो हमको ये करना ही करना है, और अगर ये हम दिव्यांग होकर के जो कुछ कर सकते हैं तो आप निश्चित रूप से कर लेंगे। इसी के बाद तीसरी बात आती है, हमको समय निकालना होगा। हमको कुछ लिखने के लिए, कुछ पढ़ने के लिए हर समय हम जब इस बात का प्रयास करते हैं कि हमको आगे कैसे बढ़ना है, तो अगर जो लोग हमारे दिव्यांग साथी पढ़ रहे हैं उनको अपना अतिरिक्त समय जो है पठन पाठन में बिताना चाहिए। अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हैं तो ब्लॉग पढ़िए, ब्लॉग में सकारात्मक संदेशों वाले ब्लॉग पढ़िए, उसमें बहुत अच्छी बातें बताई जाती हैं, उनको देख करके आप आगे बढ़ सकते हैं, और आप स्वयं भी लिख सकते हैं, और जिसे व्हाट्सएप या फेसबुक या यूट्यूब जो भी देखते हैं उस पर सकारात्मक देखें, अच्छी चीजें देखें, अच्छा काम करने का सोचिए, कुछ बनाना सीखिए, आप कला कौशल सीखिए। अगर यूट्यूब पे ऐसे ऐसे वीडियो आ रहे हैं जिसमें आप पाककला को, खाना बनाना बहुत अच्छी तरीके से जान सकते हैं, अच्छे तरीके से आप लिखना पढ़ना, कैसे स्टोरी लेखन करें, कैसे अपने स्वास्थ्य रहें, इन सब चीजों को देख करके आप आगे बढ़ने का प्रयास कर सकते हैं।
नकारात्मक चीजें देखे, हैं, गलत चीजें नहीं देखे, विकृत दिमाग को मस्तिष्क को गलत करने वाली चीजें नहीं देखे, सेक्स और कुंठा से भरे विचारों वाले गंदे वीडियो मत देखे। इनको देखने से आपके अंदर की ऊर्जा समाप्त होती है, आपका चरित्र कमजोर होता है, इन सब चीजों को न देखे। तो खैर मित्रों, ये बात आपको बताई, आज का ये जो वीडियो हम साथ में लगा रहे हैं इसको देखिए और इससे प्रेरणा लीजिए कि कैसे हमको आगे बढ़ना है, कैसे हमको काम करना है, किस प्रकार से एक जिसके दोनों हाथ नहीं दोनों पैर नहीं, किस प्रकार से वो एक विश्व का सर्वश्रेष्ठ फोटोग्राफर बन सकता है और उसको अंतर्राष्ट्रीय फोटो प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मिल सकता है। इस बात को आप देखिए और समझने का प्रयास करिए। उसके टाइटल सब अंग्रेजी में हैं लेकिन आप समझ जाएंगे, आप देख करके उसको पूरी तरीके से उसकी क्रियाशीलता देख लेंगे। तो देखिए मित्रों ये वीडियो जो आपको हम आपके लिए लाए। नमस्कार, कल फिर मिलेंगे। In Indonesia, there is a guy with no arms and no legs, but he can shoot pictures, he can drive cars, and he can dive in the oceans. Who is this guy, and how the heck does he do it? In this small town in Indonesia, we found Zul. Hi, saya Zul. Meskipun saya dilahirkan berbeda, tapi saya bisa melakukan apa yang Anda lakukan. When most people meet Zul, the first thing they see is not his personality or skills, they see his disability. And it's not just other people, his parents did too. Orang tua saya malu dan mereka memutuskan untuk membuang saya ke sungai. His own parents could not accept his disability that he was born with. And his entire life, everyone looked down on him because everyone thought disabled meant useless. Sooner or later, that got into his own head. That's why when he was 13 years old, he tried to end the pain and kill himself. Saya pernah memutuskan untuk melakukan percobaan bunuh diri karena saya takut menjadi beban mereka. But one day, things turned around. He found a purpose for himself in the last thing he expected, a camera. Even though he has no hands or legs, he picked up a camera with only his arm muscles, strapped it on his neck, and used all the strength he had to press the shutter. And that changed his life. His pictures were really good, so good that people could not believe he took these pictures. He took thousands of pictures. He became popular on Instagram and eventually he got a scholarship to study at a photography school. Hidup saya tanpa batas dan saya bisa melakukan apapun yang saya mau. So he went one step further and became a mechanic. He designed his own car and assembled it with the help of his friends so he could go anywhere in the world. It's a special car that only he can use, with a brake and an engine from a motorbike, a steering wheel from a go-kart, and he calls it his own Formula One car. Dengan mobil ini, saya bisa keliling kemanapun. And in the future, he's planning on conquering the oceans. He's learning how to dive just so he can take underwater shots and improve his craft. Think about this for a second. Without any arms or legs, this guy can take pictures, build a career, build a car, and learn how to swim in the oceans. Disabled is everything he is not. Disabled is the wrong word to use because people like him fight every day to stay alive. They are the most abled people in the world. Look at us now.